कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के ऊपर शुरू हो रही सियासत से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान चीन की तारीफ की थी। राहुल गांधी के इसी बयान से ठीक उलट कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बात कही है। शशि थरूर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि चीन तो भरोसे के लायक नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि रूस और यूक्रेन का जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और उनको खत्म कराने के लिए कई देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें भारत भी है और चीन भी, लेकिन वो भरोसेमंद है या नहीं इस पर सवाल है। There is a case for peace. India has also been trying to make one, but I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. But also, frankly, I'm not sure either side at the moment is ready for peace. They both seem to think they can, quote-unquote, win, whatever winning is all about. And at this stage, it's far from clear that we are going to see a swift end. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के हमले और कांग्रेस का बचाव जारी है। खासकर चीन को लेकर राहुल ने जो कहा, उस पर तो बीजेपी राहुल पर चौतरफे हमले कर रही है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से अब उनकी पार्टी के नेता भी शायद सहमत नहीं है। शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक कार्यक्रम के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध में भारत और चीन की भूमिका को लेकर बोल रहे थे। There is a case for peace. India has also been trying to make one, but I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. But also, frankly, I'm not sure either side at the moment is ready for peace. They both seem to think they can, quote unquote, win, whatever winning is all about. And at this stage, it's far from clear that we are going to see a swift end. कैम्ब्रिज में राहुल ने चीन को शांति का पक्षधर कहा था, जिसे लेकर बीजेपी लगातार नाराजगी जता रही है।